ऋषि कृष्णा, मैं मंजू माहेश्वरी रॉयल राजस्थानी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला आलू का पराठा। इसे आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कभी भी बना सकते हैं और ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है और ये सभी को बहुत ही पसंद आता है। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आलू के पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू का मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमने 7-8 आलू लिए हैं, उनको हम 2 सीटी तक कुकर में बॉईल कर लेंगे और 2 कटी हुई प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच सादा नमक, 1 छोटी चम्मच पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और हमने 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च लिए है। अब हम आलू को कुकर में 2 सीटी तक बॉईल करेंगे। आलू हमने बॉईल कर लिए हैं और उनको छील लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। हमने आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। चलो अब हम मसाला बनाएंगे। हम 50 ml तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम तेल में थोड़ा सा सौंफ और जीरा डालेंगे। देखिए हमारा जीरा और सौंफ अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद प्याज। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। देखिए हमारे प्याज अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। अब हम आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें सब मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम इसके पराठे बनाने की तैयारी करेंगे। अब हमने आलू का पराठा बनाने के लिए एक लोया लिया है, उसको हम बेल लेंगे। हमने इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है। अब हम धीरे धीरे इसको बेलेंगे और थोड़ा सा बढ़ा के फिर इसमें मसाला भरेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला भरेंगे। और उसको अच्छे से पैक करेंगे। इसको इतना ही मोटा बनाना है। अब हम इसको तवे पे सेकेंगे। देखिए हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, सॉस किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।